नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा दसवीं की कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है स्पर्श भाग दो, और इस पुस्तक का गद्य खंड जिसका दूसरा पाठ है, और इस पाठ का शीर्षक है डायरी का एक पन्ना। यह पाठ सीताराम से कसरिया द्वारा लिखा गया है। आज हम इस पाठ की व्याख्या फ्लो चार्ट के द्वारा देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस पाठ को भी दो भागों में बांटा गया है। आज हम इस पाठ का पहला भाग देख रहे हैं। इस पाठ का शीर्षक है डायरी का एक पन्ना। अब यहाँ पर किस डायरी की बात हो रही है, और उस डायरी के किसी एक पन्ने में ऐसी कौन सी जानकारी लिखी है जो कि सीताराम से कसरिया जो हैं वो इस पाठ के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। तो आइए देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस डायरी के एक पन्ने में जिस घटना के बारे में बताया गया है वो हमारे देश की आज़ादी से पहले की घटना है। उस वक्त पूरे देश में आंदोलन चल रहे थे। बड़े बड़े जो नेता हैं उनकी अगुवाई में लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ नारे लगा रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे। बहुत सारे ऐसे सत्याग्रह आंदोलन भी महात्मा गांधी के द्वारा किए गए थे, और लोग जो हैं बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे थे। तो आइए देखते हैं डायरी के इस एक पन्ने में किस तरह के आंदोलन की बात लिखी गई है, आज़ादी से पहले कौन सी ऐसी घटना है जो कि इस एक पन्ने में लिखी गई है। सबसे पहले ये वो समय था जब महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था। महात्मा गांधी ने समय समय पर ऐसे बहुत सारे आंदोलन किए, अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन महात्मा गांधी द्वारा किए गए सभी आंदोलन हमेशा सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए किए गए थे। यहाँ पर भी महात्मा गांधी इसी तरह के एक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, और ये जो आंदोलन है ये अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने के लिए है। तो आइए देखते हैं आज का जो ये सत्याग्रह आंदोलन है इसके बारे में और क्या बताया गया है। अंग्रेज़ों से आज़ादी हेतु, किसी भी हालत में अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद करना चाहते हैं, जनता में आज़ादी पाने की उम्मीद। और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए इस आंदोलन से जनता के मन में एक उम्मीद जागने लगी है कि अब हमें आज़ादी मिल जाएगी। लाखों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। गांधी जी की अगुवाई में लाखों लाख ऐसे लोग थे जो कि बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। आज़ादी के लिए किया गया सत्याग्रह आंदोलन, ये आंदोलन जिसके बारे में डायरी के इस एक पन्ने में सीताराम से कसरिया ने लिखा है, ये आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन था, और इस आंदोलन की शुरुआत 26 जनवरी 1930 को हुई थी। ये दिन जो था वो ऐतिहासिक दिन था। ऐतिहासिक दिन का मतलब है ऐसा दिन या ऐसी घटना जो कि इतिहास के पन्नों में लिखी जाए। तो ये जो दिन था वो भी एक ऐतिहासिक दिन था, और इस दिन के बारे में इतिहास में लिखा जाना था। गुलाम भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये वो समय था, ये वो दिन था, ये वो वर्ष था 1930 का, जिस दिन हमारा भारत तो गुलाम था लेकिन गुलाम भारत में भी जो लोग थे वो स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। भविष्य में भी इसे जारी रखने का निश्चय किया। गांधी जी द्वारा चलाए गए इस सत्याग्रह आंदोलन में लोगों से यही कहा गया था कि सिर्फ इस आंदोलन को, इस स्वतंत्रता दिवस को 26 जनवरी 1930 को ही नहीं मनाया जाएगा, बल्कि भविष्य में भी हर साल 26 जनवरी के दिन ये आंदोलन तब तक मनाया जाएगा, ये स्वतंत्रता दिवस तब तक मनाया जाएगा जब तक हमारा भारत आज़ाद नहीं हो जाता। इसके बाद है आज़ादी मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को ही गणतंत्र लागू किया गया। अब यहाँ पर 26 जनवरी का दिन सच में एक ऐतिहासिक दिन बन गया। कुछ सालों के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, और उसके कुछ सालों के बाद 1950 में 26 जनवरी के दिन ही हमारा गणतंत्र लागू किया गया, मतलब हमारे संविधान को लागू किया गया। बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए हमारे भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 के दिन ही लागू किया गया। तो 26 जनवरी का जो दिन था वो सच में एक ऐतिहासिक दिन बन गया था। आइए देखते हैं आगे। इसके बाद है कलकत्ता में 26 जनवरी 1931 का एक दिन। अब यहाँ पर 1930 को जब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उसके ठीक एक साल के बाद कलकत्ता में 26 जनवरी 1931 को फिर से स्वतंत्रता दिवस मनाने का दिन आ गया, और उस एक दिन की पूरी घटना इस डायरी के एक पन्ने में सीताराम से कसरिया द्वारा लिखी गई है। तो आइए देखते हैं उस दिन कलकत्ता में क्या हो रहा था।
यह गुलाम भारत में मनाया गया दूसरा स्वतंत्रता दिवस था। पहला स्वतंत्रता दिवस 1930 में मनाया गया था 26 जनवरी के दिन, और आज जो है इस गुलाम भारत में दूसरा स्वतंत्रता दिवस फिर से मनाया जा रहा था। इस दिन क्या क्या हो रहा था? यह दिन अमर था और कलकत्ता के लिए तो यह दिन सच में एक अमर दिन साबित होने वाला था। पिछले वर्ष इसी दिन पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पिछले वर्ष कलकत्ता में लोगों में ज्यादा जोश दिखाई नहीं दिया। पिछले वर्ष जब पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तो कलकत्ता वासी जो थे वो उतना ज्यादा उत्साहित नहीं थे, उन्होंने इस दिन को मनाने के लिए उतना उत्साह नहीं दिखाया था। आगे है, इस साल काफ़ी तैयारियां की गई थी, लेकिन इस साल की बात अलग थी। कलकत्ता में इस दिवस को मनाने के लिए बहुत सारी तैयारियां शुरू कर दी गई। केवल प्रचार में ही 2000 रुपये खर्च हो गए थे। यहां पर केवल प्रचार करने में, लोगों तक ये बात पहुंचाने में कि कलकत्ता में दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, हर रास्ते पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जा रहे थे, तिरंगा झंडा फहराया जा रहा था, रास्तों को सजाया जा रहा था, ये सारे प्रचार में ही लगभग 2000 रुपये लोगों ने खर्च कर दिए थे। कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से मिल रहे थे, और जो कार्यकर्ता थे, जो वॉलंटियर्स थे, इस प्रोग्राम को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करने वाले जो लोग थे, वो एक एक घर में जाकर के लोगों को इस उत्सव के बारे में बता रहे थे, लोगों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कह रहे थे, लोगों से यही आग्रह कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लें। इसे सफल बनाने के लिए सभी जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहे थे, और यहाँ पर हर कोई इसे अपनी जिम्मेदारी समझ रहा था कि इस कार्यक्रम को हमें बहुत ही धूमधाम से मनाना है और बहुत ही सफलता के साथ मनाना है, और इसीलिए वो कार्य कर रहे थे। आइए आगे देखते हैं। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी तैयारियां कलकत्ता में की जा रही थी। वो कौन सी तैयारियां थी? अन्य तैयारियां और लोगों का उत्साह। लोगों का उत्साह तो देखते ही बन रहा था, और भी बहुत सारी तैयारियां लोग कर रहे थे। कौन कौन सी तैयारियां थी? बड़े बाज़ार के हर मकान पर राष्ट्रीय झंडा लहरा रहा था। बड़ा बाज़ार कलकत्ता का ये सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जहाँ पर कि मकान जितने बने हुए थे, जितने भी घर थे, उसमें राष्ट्रीय झंडा, हमारा जो भारतीय तिरंगा है, वो लहरा रहा था। कई मकान भी सजाए गए थे, मकानों को सजाया भी गया था। लग रहा था मानो हमें आज़ादी मिल ही गई हो, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि हमें सच में आज़ादी मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में झंडे लगाए गए थे। कलकत्ता का कोई भी ऐसा गली, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जहां पर कि झंडे ना लगाए गए हों। हर जगह तिरंगा झंडा लहरा रहा था। हर रास्ता आज नया लग रहा था। कलकत्ता के रास्ते जो थे आज कुछ नए जैसे लग रहे थे। हर रास्ते को, हर गली को इतना ज़्यादा सजा दिया गया था कि हर चीज़ आज कलकत्ता में नई लग रही थी। ऐसी सजावट पहले कभी नहीं देखी गई। कलकत्ता में रहने वाले लोग भी इस चीज़ को महसूस कर रहे थे कि कलकत्ता के जो रास्ते हैं, जो गलियां हैं, उन्हें इतना पहले कभी भी सजाया नहीं गया था। लोग अत्यधिक उत्साहित नज़र आ रहे थे। अब इसके साथ ही साथ जो लोग थे, आम जनता थी, वो बहुत उत्साहित थी इस कार्यक्रम को मनाने के लिए। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक तरफ जो कार्यकर्ता थे, जो आम जनता थी, वो स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियाँ कर रही थी, और दूसरी तरफ जो अंग्रेजी पुलिस थी वो इसे रोकने की तैयारी कर रही थी। तो इसे रोकने के लिए क्या क्या तैयारियाँ थी, आइए देखते हैं। सबसे पहले पूरे शहर में गश्त लगा रही थी। गश्त का मतलब होता है यहाँ वहाँ घूमना, पेट्रोलिंग करना। तो पूरे शहर में पुलिस ही पुलिस नज़र आ रही थी। ट्रैफिक पुलिस को भी सुरक्षा व गश्त के काम में लगा दिया गया था। जो ट्रैफिक रोड में, जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाली पुलिस होती है, उसे भी रास्तों से हटा करके इस गश्त के काम में या सुरक्षा के काम में लगा दिया गया था। मोटर व लारियों में हर मोड़ पर पुलिस तैनात थी। बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ थी, मोटर गाड़ियाँ थी और लॉरियाँ, जिसमें कि बहुत सारे पुलिसकर्मी एक साथ बैठ सकते हैं, इस तरह की गाड़ियाँ और मोटर गाड़ियाँ पूरी जगह घूम रही थी, और हर मोड़ पर, हर गली में, हर मोड़ पर पुलिस जो है उसे देखा जा सकता था। पुलिस घुड़सवार भी गश्त में थे। ऐसी गलियाँ जहाँ पर कि मोटर गाड़ियाँ नहीं घुस सकती हैं, वहाँ पर घोड़े पर सवार होकर के पुलिस जो थी वो गश्त लगा रही थी। आगे है, पुलिस से भरी लारियां पूरे शहर में घूम रही थी। पूरे शहर में जहां तहां बस पुलिस ही पुलिस नज़र आ रही थी। बड़ी बड़ी लॉरियों में बैठ करके पुलिस यहां वहां घूम रही थी। स्वतंत्रता दिवस की मुख्य सभा का आयोजन, अब मुख्य सभा मतलब जो मेन मीटिंग था, मेन जो कार्यक्रम था, उसका आयोजन कहां होना था? मॉन्यूमेंट के नीचे होना था। अब यहाँ पर एक मैदान था जहाँ पर कि एक मॉन्यूमेंट बना हुआ था, उसी के नीचे इस मुख्य सभा का आयोजन
किया जाना था शाम के समय, और समय कब था, शाम के समय इस कार्यक्रम का आयोजन वहां किया जाता। इस जगह को प्रातः 6 बजे से ही पुलिस ने घेर लिया था। पुलिस को भी इस चीज़ की जानकारी थी कि मॉन्यूमेंट के नीचे मुख्य सभा का आयोजन किया जाना है, वो भी शाम के समय। तो यहाँ पर पुलिस जो थी उसने 6 बजे सुबह से ही इस पूरे पार्क को, इस पूरे मैदान को जहाँ पर कि ये मॉन्यूमेंट था, उसे पूरी तरह से घेर लिया था। पुलिस की इतनी घेराबंदी और गश्त के बाद भी कई जगह लोग सुबह ही झंडे फहरा चुके थे। इतनी ज़्यादा पुलिस जो थी उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे थे जो कि उससे भी सुबह उठ करके यहाँ वहाँ उन्होंने झंडा फहरा दिया था। आइए आगे देखते हैं अन्य पार्क व मैदान जहाँ झंडे फहराए गए। अब यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मैदान थे जहाँ पर कि झंडे फहराए गए थे। अब ये कौन कौन सी जगह थी और वहाँ पर किन्होंने झंडे फहराए थे, आइए देखते हैं। पहला जो पार्क है वो है श्रद्धानंद पार्क। यहाँ पर बंगाल प्रांतीय संघ के मंत्री, अब यहाँ पर बंगाल प्रांतीय संघ, संघ का मतलब है एसोसिएशन, तो यहाँ पर कोई एक ऐसा एसोसिएशन था जिसका नाम था बंगाल प्रांतीय संघ। वहां के जो मंत्री थे उनका नाम था अविनाश बाबू, इन्होंने झंडा फहराया। अविनाश बाबू ने श्रद्धानंद पार्क में झंडा फहराया। पुलिस ने अविनाश बाबू को पकड़ लिया। झंडा फहराते ही पुलिस वहां पर तैनात थी और उन्होंने अविनाश बाबू को पकड़ लिया, दूसरे लोगों को मारा और हटा दिया। अविनाश बाबू के साथ और भी बहुत सारे लोग थे, उन लोगों को भी मारा गया और वहां से पुलिस ने उन्हें हटा दिया। तो यहाँ पर ये जो जगह है इनका नाम आप बहुत आसानी से इस फ्लो चार्ट के माध्यम से याद रख सकते हैं, और साथ ही साथ उनका नाम जिन्होंने यहाँ पर झंडा फहराया था। दूसरी जगह जो थी जहां पर कि झंडा फहराया जाना था वो था तारा सुंदरी पार्क, बड़ा बाजार के कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वहां के युद्ध मंत्री, कांग्रेस पार्टी के युद्ध मंत्री जो थे उनका नाम था हरिश्चंद्र सिंह। हरिश्चंद्र सिंह ने झंडा फहराने की कोशिश की। अब यहाँ पर तारा सुंदरी पार्क में इन्होंने झंडा फहराने की कोशिश की, लेकिन पार्क के भीतर नहीं जा सके। पुलिस वहां जो तैनात थी उन्होंने हरिश्चंद्र सिंह को और भी साथ में इनके जो लोग थे उन्हें पार्क के अंदर नहीं जाने दिया। तो इस तरह से यहाँ पर वो तारा सुंदरी पार्क में झंडा नहीं फहरा सके। और उसके अलावा वहां क्या हुआ, पुलिस से लोगों की झड़प हुई, पुलिस और लोगों में काफी लड़ाई झगड़ा होने लगा, कुछ लोगों के सिर फट गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इस लाठीचार्ज में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके सिर पर बहुत ज्यादा चोट आई। तो आइए देखते हैं आगे। इसके बाद जो तीसरी जगह थी जहां पर की झंडा फहराया जाना था वो था मारवाड़ी बालिका विद्यालय। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये एक विद्यालय था और ये लड़कियों का विद्यालय था। यहाँ पर गुजराती सेविका संघ, अब ये भी एक तरह का एसोसिएशन है, एक तरह का ग्रुप है जिसका नाम है गुजराती सेविका संघ। यहाँ पर लड़कियों ने जुलूस निकाला। यहाँ पर हो सकता है इस विद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियां हों और साथ ही साथ और भी कई सारी लड़कियां जो हैं उन्होंने मिल करके यहाँ पर जुलूस निकाला। और उसके बाद 11 बजे लड़कियों ने झंडा फहराया और यहाँ पर इस विद्यालय में ही 11 बजे लड़कियों ने झंडा फहरा दिया। जानकी दास मदालसा भी शामिल हुई। अब यहाँ पर ये दो महिलाएं थी जिन्होंने इस उत्सव को, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत ही जोर शोर से काम किया था और उसमें वो शामिल भी हुई थी। इन्होंने और क्या किया, लड़कियों को झंडा फहराने का कारण और स्वतंत्रता दिवस मनाने का कारण बताया। यहाँ पर लड़कियां जो थी, बालिकाएं जो थी, वो झंडा तो फहरा रही थी लेकिन बहुत सारी लड़कियों को इसका कारण नहीं पता था, सही कारण नहीं पता था कि आज कलकत्ता में क्या हो रहा है। तो इस चीज की जानकारी उन्होंने दी, साथ ही साथ कलकत्ता में उस दिन स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम था उसके बारे में भी उन्होंने सारी बातें उन्हें बताई। लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर इन सारे कार्यक्रम के बाद पुलिस को जैसी ही इसकी खबर मिली सारी लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्यक्रम के बीच लेखक की प्रतिक्रिया, सीताराम सेकसरिया उस वक्त उस जगह पर मौजूद थे जब ये कार्यक्रम चल रहा था और उसी दिन की सारी जो जानकारी है उन्होंने अपनी डायरी में लिखी है। अब उस कार्यक्रम के दौरान लेखक ने और क्या क्या चीजें देखी उसके बारे में यहाँ बताया गया है। लेखक मोटर से घूमकर सभी स्थानों को देख रहे थे। लेखक एक गाड़ी में बैठे हुए थे और यहाँ वहां घूम करके सभी जगह देख रहे थे कि सभी जगह किस तरह से लोग उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। लोगों का उत्साह देखकर अच्छा लगा, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि लोग इतने जोश के साथ, इतने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। जगह जगह फोटो भी खींची जा रही थी। उन्होंने ये भी देखा कि कुछ लोग फोटो भी खींच रहे थे, हो सकता है इस ऐतिहासिक दिन को वो अपने इतिहास में फोटो के साथ दर्ज करना चाहते हों ताकि आने वाली पीढ़ी भी कलकत्ता में उस दिन जो कुछ घटा है उसके बारे में जान सके। तो इस तरह से ये सारी चीजें लेखक ने देखी। आइए आगे देखते हैं।
इसके बाद है जुलूस के दौरान नेताओं की गिरफ्तारी। अब यहाँ पर जुलूस के दौरान ही बहुत सारे नेता ऐसे थे जिनको की गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोपहर 2 बजे तक कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब सुबह से ही लोग जो थे पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन दोपहर के 2 बजते तक कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें मुख्य थे पूर्णो दास और पुरुषोत्तम दास। अब यहाँ पर 2 ऐसे लोगों का नाम है जो कि पूरी तरह से इस उत्सव को सफल बनाने में लगे हुए थे, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। कुछ अन्य जुलूस के विवरण, अब यहाँ पर जुलूस में और क्या क्या हो रहा था इसके बारे में देखते हैं। कुछ और जुलूस थे वो किनके जुलूस थे, आइए देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जुलूस, अब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस भी इस जुलूस में हिस्सा ले रहे थे। अब उन्हीं के द्वारा एक जुलूस जो है निकाला गया था, लेकिन जुलूस की पूरी जिम्मेदारी पूर्णो दास पर ही थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने अपने जुलूस की पूरी जिम्मेदारी पूर्णो दास जिन्हें पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया था उनके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी सुभाष चंद्र बोस ने दे दी थी। स्त्री समाज भी जुलूस की तैयारी में लगा था। यहाँ पर स्त्री जो थी, महिलाएं, बालिकाएं, वो भी पीछे नहीं थी, वो भी अपने जुलूस की तैयारी में लगी हुई थी। अब यहाँ पर जगह जगह ये भी देखा जा रहा था कि जुलूस में स्त्रियां जो हैं, वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। सभी शाम तक मॉन्यूमेंट पर पहुंचने की कोशिश में लगे थे, और यहाँ पर सभी को पता था कि शाम को जो मुख्य कार्यक्रम होने वाला है, मुख्य सभा होने वाली है, वो मॉन्यूमेंट में होना है। और कार्यकर्ता जो थे उन्होंने पहले ही घर घर जाकर लोगों को बता दिया था कि शाम तक किसी भी हालत में आपको मॉन्यूमेंट पर उपस्थित रहना है। इसीलिए सभी लोग जुलूस में आगे बढ़ रहे थे और सभी का बस एक ही लक्ष्य था कि शाम तक वो मॉन्यूमेंट तक पहुंच जाए। तो इस तरह से ये सारी चीजें घट रही थी। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद है मॉन्यूमेंट के पास का माहौल। अब जो मॉन्यूमेंट था जहां पर की मुख्य सभा होनी थी, वहां का कैसा माहौल था, वहां पर क्या कुछ हो रहा था। सुबह की तुलना में पुलिस की सुरक्षा ढीली पड़ गई थी। जैसा कि हमने पहले देखा है कि सुबह 6 बजे से ही पुलिस ने उस मैदान को ही घेर लिया था जहां पर की मॉन्यूमेंट था, तो यहां पर दोपहर होते होते तक थोड़ी सी उनकी सुरक्षा में ढिलाई नजर आ रही थी। दोपहर 1 बजे तक तो माहौल सामान्य नजर आने लगा। दोपहर 1 बजे तक तो ऐसा लगने लगा था कि सब कुछ सामान्य होने वाला है, पुलिस हो सकता है अपनी सुरक्षा भी यहाँ से हटा ले। लोग सोच रहे थे कि पुलिस अब सख्ती नहीं दिखाएगी। पुलिस को देख करके ऐसा लग रहा था कि अब वो उतना सख्त रवैया नहीं दिखाएगी, लेकिन पुलिस पूरी तरह से सख्ती बरत रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि पुलिस जो है उसी तरह से वहां पर गश्त लगा रही है और बहुत सख्ती से लोगों को वहां पर आने से रोक रही है। दोपहर के 3 बज चुके थे। अब देखते ही देखते दोपहर के 3 बज चुके थे। हजारों की संख्या में टोलियों में लोग मैदान में जमा होने लगे। ये वही मैदान था जहां पर की मॉन्यूमेंट था, और वहां पर मुख्य सभा के लिए हजारों की संख्या में लोग टोलियां बनाकर, समूह बनाकर के जुलूस निकालते हुए वहां पर जमा होने लगे थे। आज तो सच में कुछ अलग ही बात थी। अब कलकत्ता में आज का जो माहौल था उसे देख करके यही लग रहा था कि सच में आज जो है यहाँ पर बात ही कुछ अलग है। पुलिस कमिश्नर का नोटिस, अब यहाँ पर ये सारी चीजें देखने के बाद, पुलिस की इतनी सुरक्षा के बाद, जो अंग्रेजी पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीजें अंग्रेजी सरकार के आंखों के सामने हो रही थी। अंग्रेजी पुलिस यही चाहती थी कि किसी भी तरह से ये जो सभा है ये ना हो और ये कार्यक्रम असफल हो जाए, इसके लिए एक नोटिस जारी किया गया। यह कार्यक्रम एक ओपन लड़ाई की तरह था और ऐसा लग रहा था जैसे कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो भारतीय हैं, वो अंग्रेजों को एक ओपन चैलेंज दे रहे हैं, ओपन लड़ाई के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। तो ये पुलिस के लिए एक, ये पुलिस के लिए भी एक चैलेंज की तरह हो गया था कि किस तरह से इस सभा को रोका जाए। एक नोटिस जारी किया गया पुलिस कमिश्नर की तरह से, तुरंत एक नोटिस निकाल दिया गया। वो नोटिस क्या था, कोई ऐसी सभा नहीं होनी चाहिए। उस नोटिस में यही लिखा था कि किसी भी तरह की सभा नहीं होनी चाहिए। जनता को कार्यक्रम में भाग न लेने का नोटिस दिया गया। जनता को भी ये नोटिस जारी कर दिया गया कि इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में आप लोगों को भाग नहीं लेना है। चेतावनी दी गई, और बाद में चेतावनी दी गई, चेतावनी का मतलब है वार्निंग। तो इस तरह से एक वार्निंग दी गई कि जो भाग लेगा वो दोषी माना जाएगा, और ये भी बता दिया गया कि जो भी इस तरह की सभा में भाग लेगा उसे दोषी माना जाएगा और उसे सजा मिलेगी। तो इस तरह से इस स्वतंत्रता दिवस को सफल बनाने के लिए जो भारतीय थे, कलकत्ता वासी थे, वो पूरे उत्साह के साथ लगे हुए थे, और वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी पुलिस जो थी वो किसी भी हाल में इस सभा को रोकना चाहती थी, खत्म करना चाहती थी। तो इसके आगे क्या होता है, क्या वो सभा हो पाती है, ये हम देखेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।